बाबा बाबा वो चले गए, वो उठे और चले गए बाबा। ठहरो मेरी बेटी, परेशान ना हो, अधूरी बात ना करो। यूनुस अफंदी बाबा जान बस उठे और चल दिए। कहाँ गए वो इस हाल में? पता नहीं बाबा। अस्सलाम वालेकुम आगा साहिबान। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। सब खैरियत तो है? कोई मसला तो नहीं किसी को? एक और दो मुझे। महसूलात, यही है सबसे बड़ा अजाब। ठीक है आगा, अगर मुंह खोलकर सवाल कर ही लिया है तो सबको बता देता हूं कि इस महसूल के पैसे को कहां कहां खर्च करता हूं। माशाल्लाह, लोग देखकर सोचेंगे कि शेख इतने चमचों का क्या करेंगे। कोई पूछे तो कहना, मैं इन्हें फरोख्त करूंगा। मेरे ताया के बारे में लोग बाजार में ज्यादा अच्छी बातें नहीं करते। इंसान ऐसा ही है, तुम अगर उड़ते हुए परिंदे हो तो वो तुम्हारे पर काट डालेंगे। बाजार में तो पानी भी कीमतन मिलता है, मगर इंसान आजाद है। उनका कहना है कि कारोबार खसारे में है, चाहे वो किसान हो या फिर हुनरमंद। अगर वो ऐसा कहते हैं तो ठीक कहते हैं, खसारे का शिकार लोगों से ये नहीं कह सकते कि वो अपने कारोबार में मुनाफा कमा रहे हैं। हर शय से कतअ नजर उनकी आपसे मोहब्बत पर मुझे कोई शुबा नहीं शेख। शायद वो बजाते खुद आपसे ये ना कह सके, मगर हमें उनकी मोहब्बत से क्या गर्ज हो सकती है कासिम? हमारा क्या काम है सरदारों और पाशाओं से? हम महज अवाम के दरमियान अवाम हैं। जिसे खल्क खुदा से मोहब्बत होगी हमें उससे मोहब्बत होगी, जिसे खल्क से मोहब्बत नहीं होगी उसे हमसे मोहब्बत की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। यूनुस और वो बच्चा शेख मोहतरम। खुश आमदीद, तुम्हें देखकर खुशी हुई इस्माइल। ये तुम्हें भूल गए थे, हमारा कसूर माफ कर देना। अच्छी तरह मालूम था मुझे। क्या मालूम था तुम्हें? यही कि शेख हैं आप। ये किसने कहा तुमसे? कहने की जरूरत है क्या? दिख रहा है। हो ना हो, ताब्दू कैमरे की दरगाह है ये। आप जैसा कहते हैं वैसा ही है जनाब। आपको पता है जनाब, सेवरी हिसार से कई लोग आते हैं यहाँ पर, जैसे वली चचा, कलाईगढ़ नुसरत भी तो आते हैं ना, और भी लोग हैं। हाँ, इमाम हुस्नु भी। बस ठीक है, अब से ये हमारे साथ रहना चाहता है। ठीक है फिर, आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ, आओ चलो चले, मैं तुम्हें कुछ लोगों से मिल पाता हूँ। पीर भाई, आपकी इस हालत की वजह जान सकता हूँ मैं? ठीक हूँ मैं कासिम अफंदी, परेशानी की कोई बात नहीं। देखो बच्चे, ये ऐसे होगा,
आने की इजाजत है खानम? ये पकड़े। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शेख साहब। आइए आइए यूनुस अफंदी, आइए यहाँ बैठिए। बहुत शुक्रिया आपका, ठीक हूँ मैं। अरे इस्माइल अफंदी से अपना तारुफ नहीं करवाएगा कोई? क्यों नहीं शेख साहब, जरूर। खुशामदीद इस्माइल। बहुत शुक्रिया आपका। खुशामदीद इस्माइल। अरे नहीं, तुम तो मेरे छोटे भाई की तरह हो। खानम, देखती में पानी गर्म है क्या? जी शेख साहब। अच्छा अच्छा, इस्माइल आफंदी को नहलाने की तैयारियां मुकम्मल हैं या नहीं? मैं नहीं नहाऊंगा, अभी तो नहाया था मैं। अच्छा कहाँ नहाए थे? नदी के किनारे पर नहाया था ना, आप ही बता देना है। नहीं यूनुस आगा। खैर है, ठीक हो जाएगा। आरिफ किसी मुसीबत से भी सबक सीखता है। कोई आरिफ ऐसा नहीं कि जो मसाइब के मकतब से फारिग उत्तहसील ना हुआ हो। मुझे नहीं नहाना, नहीं नहाना मैं। रुको रुको, मुझे नहीं नहाना। कहाँ भाग रहे हो इस्माइल? इस्माइल अफंदी, इजाजत हो तो हाज पे हाल कुछ बातें कर लें। जी जरूर करें, मुझे तो सारी बातें पता हैं। नमाज और रोजा तोड़ने वाली बातें भी और वुजू फासत करने वाली भी। जरूर तुम जानते होगे, क्यों नहीं पता होगा तुम्हें? मैं तुम्हें ये बातें नहीं बताने लगा, तुम्हें तो ये बातें हमसे बेहतर मालूम होंगी। ढेर सारे शेख आफंदी और मुफ्ती आफंदी आपको ये तमाम बातें बताते ही रहते हैं, कई बार बताते हैं। वो बताते तो हैं, मगर ये ना समझना कि दीन बस यही है। अब तो ये हाल हो गया है कि लगता है कि ये दीन वजू करने के तरीके और रोजा नमाज फासद करने वाली बातों के सिवा कुछ नहीं है। रोजा रखना, वजू करना, नमाज पढ़ना ईमान के बाद आता है अजीजम। जरा हमें ईमान फासद करने वाली बातें तो बताइए ताकि हमारा वजू कायम रहे। बताइए ना मुफ्ती अफंदी, रोजे को फासद करने वाली बातें याद रखना कोई बड़ी बात नहीं? आप बताइए, ईमान को फासद करने वाली बातें कौन सी हैं, ये बताइए ना। दूसरों का हक मारना, मजदूर की मजदूरी न देना, नाअहल लोगों को नवाजना, अकरबा परवरी, फराइज और तोल में हीले बहाने से काम लेना, हिर्स का शिकार रहना, कमजोर लोगों पर जुल्म करना, ताकतवर के सामने आजजी दिखाना, अवाम के दरमियान फितना फैलाना, सिला रहमी के बजाय कता ताल्लुक करना, अपने दोस्तों से हसद रखना, झूठ बोलना, बोगत रखना। हम हमेशा कहते हैं और अब फिर दोहराते हैं, क्या फरमाया जद्द अमजद हमारे पीर अहमद यसवी ने, आंसुओं से भी धोखा देते हैं
रोज बातों से अपनी भरते हैं, खुद को वो आदमी समझते हैं। आइए नाकबत अंदेश शेख, अपने सर पर पहन के वो पगड़ी आरजू करते हैं मुरीदों की, इल्म से उनका वास्ता ही नहीं। आइए नाकबत अंदेश शेख, दुनिया को सीने से लगाते हैं, मुश्किल आए तो भाग जाते हैं, फतवे कुफर के लगाते हैं। आए ना आकबत अंदेश ये शेख, समझो तो ये ऐसा ही मामला है। हम हजार गुनाह करते रहें, मगर हाँ हमारा वजू फासद ना हो जाए। हमें हाथ मुंह कैसे धोना है हम जानते हैं, हम इसका इलाज और हल भी जानते हैं। नमाज या रोजा कजा हो जाए तो उसका इलाज भी जानते हैं। तो ये बताइए मुझे, ईमान को फासद करने वाले तरह तरह के गुनाहों का क्या इलाज है फिर? इसका क्या नुस्खा है? कहां से मिलेगा इन गुनाहों से बचने का नुस्खा? है कोई हकीम इसका? अगर आप गौर करें तो हजरत बायजीद बस्तामी की एक हिकायत सुनाकर इस महफिल का इख्तिताम करता हूं। हजरत एक दिन मुरीदों के साथ तशरीफ ले जा रहे थे, करीब ही वहां वो एक अकामतगाह पहुंचे। आजकल उसे अकल का आस्ताना यानी पागल खाना कहा जाता है। जब वो वहां हकीमों से गुफ्तगु फरमा रहे थे, एक हकीम रूहानी मसाइल के हल और दिमागी मसाइल के लिए दिमागी इलाज की दवाओं के बारे में बताने लगा। आखिर सुल्तान ने ये तमाम मालूमात सुनने के बाद हकीम से एक सवाल दरियाफ्त किया, हकीम आफंदी आपने तमाम अमराज के इलाज के बारे में बता दिया, लेकिन ये बताएं कि गुनाह के मर्ज का क्या इलाज है? थोड़ी देर की खामोशी के बाद वहां रहने वाले लोगों में से एक रिहायशी ने, हकीमों की इस्तिलाह में अक्ल से आरी उस शख्स ने, नरमी से बोलने की इजाजत तलब की। अगर मुझे इजाजत हो तो मैं इसके इलाज के बारे में बताऊं। हजरत बायजीद बस्तामी ने अक्ल से आरी उस शख्स की दरख्वास्त पर उसको इजाजत दे दी। हकीम साहिबान भी ये जानने को बेताब थे कि आखिर वो मरीज कहना क्या चाहता है। गुनाह के मर्ज का इलाज ये है कि तौबा की एक शाख को अस्तगफार के पत्ते के साथ मिलाइए और दिल की ओखली में रखने के बाद तौहीद के दस्ते से इसका सुपूफ तैयार कीजिए। रहम की छलनी से इसे छानने के बाद आंसुओं से इसका पेड़ा बनाकर इश्क की आतश में इसे पकाइए। मोहब्बत व अखलास का खालिस शहद जरा सा मिलाकर सुबह और शाम कनात के चमचे से थोड़ा थोड़ा खाइए। यमदा इलाज सुनने के बाद हजरत बायजीद बस्तामी बोले, हाय ये दुनिया, हाय जो तुम्हें यहाँ छोड़कर चली गई और ये कहा कि तुम पागल हो। बस इतना काफी है साथियों। हां ये न समझ गया कि ये एक महज मिसाल है, ये नुस्खा बिल्कुल दुरुस्त है। ये इलाज अब भी गुनाह के मर्ज में गिरफ्तार लोगों के लिए तजवीज किया जाता है। ये नुस्खा भी कारामत है। आप पूछेंगे कि कैसे? जनाब हक ने तौबा करने वालों को रहमत से नवाज कर बुलंद मर्तबा बख्शने का वादा किया है। इनमें से अलग ये है कि गुनाहों को सवाब में तब्दील कर दिया जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है ये फिक्र मत कीजिए, अल्लाह खुशखबरी सुना चुका है। कोई अहमक ही इसमें शक कर सकता है? उस रहीम अल्लाह की रहमत इस कदर वसी है।
हमें ईमान तस्लीम करके, उस पर भरोसा करके, उसकी रहमत की तरफ बढ़ना है। अल्लाह जल्ल जलालहू अपने बंदों के दिल के ईमान और नियत के मुताबिक मामला फरमाता है। अल्लाह को पुकारने वाले महरूम नहीं रहते, अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद फरमाता है। ये तो आयत भी है, बिला शुबा अल्लाह गुनाहों से इम्तिहान लेता है और तौबा करने वाले मोमिनों को अजीज रखता है, हदीस में है ये। और गुनाह मिलते हुए उनके कुलूब को साफ सुथरा करता है। आज के लिए इतनी ही बातें काफी हैं, अब जरा खामोशी अख्तियार करते हैं, कहीं जाग न जाएं इस्माइल अफंदी। वहां एक दूसरा बिस्तर रखा हुआ है, जाओ वो जाकर ले आओ। या आसमानों पर उड़ रहे होंगे या जेरे आप कहीं सैर करते फिर रहे होंगे। अच्छा है, चलो। इस उम्र में एक बच्चे की आवाज गूंजती है हमारे घर में, शिकायत कैसे कर सकते हैं हम? हमारे आफंदी का फरमान है कि बच्चों की आवाज और बारिश की आवाज तुम्हें अल्लाह की याद दिलाती है। चलो आओ यूनुस अफंदी, साथ बैठकर कुछ बातें कर लें। गुजर गए यूनुस, चलो बताओ क्या कुछ देखा तुमने और क्या कुछ किया? मैंने एक खता की शेख मोहतरम, और कोई भी गलती से पाक नहीं, ये कहना भी उस खता के लिए काफी नहीं, मगर मैं सबकी तकरार करके अपनी बुराई को बढ़ाना नहीं चाहता। शेख मोहतरम, मैंने इतना बड़ा कसूर किया, इतना बड़ा गुनाहगार हूं मैं, फिर भी आपने मुझसे मुंह नहीं मोड़ा। मुझको नफ्स ने गुमराह किया और फिर गुस्से में मैंने
दुश्मन बनने की कोशिश की। मगर आपने फिर भी अपने वकार के साथ मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। आपने अपने इस आजिस को निजात दी। नजात तो दुनिया ही में है यूनुस अफंदी। जो खुद को इस दुनिया से नजात नहीं दे सकते वो नजात नहीं पा सकते, हत्ता के अगर वो खुद को निजात दहिंदा कहें तो भी उन्हें किसी चीज से नजात की जरूरत होती है। आओ यूनुस, आओ। इस दर पर आने वालों से इनकार का मकसद और जाने वालों से जाने का सबब नहीं पूछा जाता। जब तुम आ ही गए हो तो जिसके तालिब हो वो हासिल कर लो। क्या फरमाता है खालिक अपनी किताब में, हर वक्त हर दम मेरा जिक्र करते रहो। चलो ठीक है, जहां छोड़ा था वो वहीं से दोबारा शुरू करो। ये याद रखो यूनुस, भूलना नहीं कभी, विर्द रुकता नहीं है, जिक्र अल्लाह दायमी है। हमने इब्तिदा ही से तुम्हें कई राज बताए हैं यूनुस। हमने कहा था कि जलाल भरी राह है ये, जल्दी से गुजर जाओ, तुम इस पर ज्यादा नहीं ठहर सकते। मैंने कहा था ना तुम्हें, यहां बलाएं तुम्हारे और तुम उनके पीछे होगे। जल्दी से आगे बढ़ जाओ। दोबारा यही कहते हैं, ये नफ्से लवामा का दरवाजा है। नफ्से लवामा पैसा मांगता है, जिना की आरजू करता है, जो कुछ भी दुनिया में है वो सब मांगता है, मांगता है और मांगता ही जाता है। और सबसे बढ़कर ये कि इंसान के अंदर हिर्स का दरख्त उगा देता है। इतना हिर्स के जो तुम्हें मासूम भेड़ की तरफ देखते हुए भूखे भेड़िए की निगाहों में भी नजर ना आए। हाँ, पशेमानी महसूस नहीं होती क्या? नाम ही से वाज़ेह है, लवामा। या तो तुम पशेमान होगे या पशेमान होने वाली हरकत दोबारा करोगे। मगर अब तुम जो कुछ करोगे उससे वाकिफ होगे। नफ्से अम्मारा और इस हाल में यही फर्क होता है। मगर जिम्मेदारी के बगैर काम नहीं बनेगा। क्या कहते हैं बुजुर्गान, दरवेश काम करते हैं। आप जैसा फरमाएं शेख मोहतरम। सरदार के बारे में तो सुना ही होगा, जानदार ओगलो उसी का कह रहे हैं ना। हम उसके मकाम से बखूबी वाकिफ हैं। उस मनसब पर जो भी बैठता है वही सरदार होता है। मुख्तसर बात यह है कि वो जियारत के लिए आया था। उसने हमसे ऐसी दरखास्त क्यों की ये तो नहीं मालूम, मगर उसे कोई दानिशमंद दरकार है। मैंने गौर किया, खूब सोचा और इस जिम्मेदारी का अहल सबसे ज्यादा तुम्हें ही पाया। सुबह होने के साथ ही जानदार ओगलो की हवेली जाओ और अपनी जिम्मेदारी संभालो।
कहाँ रह गई थी बच्चे? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मैं बाबा जान को देखकर आती हूँ। उबरा बरामदे में बैठे हुए इस्माइल, उठो बच्चे। इस्माइल सो रहा है? जी सो रहा है। अगर इतनी ठंड ना होती तो हम इन सितारों की छांव में सो जाते हैं। बाबा कल जाहिदा के पास चली जाऊं? यूनुस कल सुबह सरदार की हवेली की तरफ जाएगा, अपनी रिफाकत में ले जाएगा तुम्हें। अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, 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 अल्लाह या अल्लाह। अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। बिस्मिल्लाह। इस्माइल से बहुत प्यार करते हैं आप, कौन है वो? क्या कोई करीबी अजीज है? जी नहीं। फिर कौन है उसका वारिस? जो सारे लावारिसों का वाहिद मालिक है उसी का है। मतलब उसके वालिदैन नहीं है? लावारिस यतीम है इस्माइल। कोई हादसा हो गया था उसके वालिदैन के साथ? उसके बाबा मंगोलों के साथ जंग के दौरान शहीद हो गए थे, मैंने यही सुना है।
खुशामदीद बासिम। बहुत शुक्रिया जाहिदा। चलो आओ अंदर चलें। आयगुल एक काम करो, बावर्ची खाने में देखो क्या बन रहा है, बता देना मेहमान आए हैं। जी खानम। सुनो जाहिदा, जहमत मत दो किसी को भी। इसमें जहमत की क्या बात है, मेरी जान से प्यारी बहन पहली बार मेरे घर आई है। तुम अजीम जानदार ओगलों की मेहमान हो, याद रहे खिदमतगारों को अगर जहमत होती है तो होती रहे, ये हमारा मसला नहीं मेरी जान से प्यारी बहन। कोई मिलने आया है सरदार। कौन है वो? यूनुस अफंदी नाम है उसका, कहता है आपने बुलाया है। उसे अंदर आने को कहो। कौन है यूनुस अफंदी, हम भी तो देखें। नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। तुम मारने आए हो मुझे, पर वो भी मेरे हुजरे के अंदर। मुहाफिज़ो, बात सुने, पकड़ो इसे। आपको गलत फहमी हुई है, मुझे शेख मोहतरम ने भेजा आपके पास। ताब्दू कैमरे की दरगाह से आया हूं मैं। खड़े मुंह क्या देख रहे हो, पकड़ो इसे। हमारा दुश्मन हमारे खुचरे तक पहुंच गया, ये सारे मुहाफिज सो रहे थे सरिया का। आप गलत कर रहे हैं सरदार, मैं ना तो आपका कोई दुश्मन हूं ना ही आपका दोस्त, शेख मोहतरम के कहने पर आया हूं मैं। मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा, तुमने तो मुझे हैरान ही कर दिया। मैंने तो सोचा था तुम बहुत खुश होगी। खुश तो बहुत हूं। जो हमें याद करता है और मिलने आता है, हम भी उससे मिलने जाते हैं। नजर आ रहा है 3 सालों में पहली बार आई हूं मिलने, ऐसा लगता है जैसे रास्ता भूल गई हो। बात सुनो बासिम, क्या ये उस पेशगोई की वजह से है जो मरियम अम्मा ने की थी? नहीं, ये भी कोई वजह हुई आने की? पता नहीं, शायद कोई बात सच हुई हो और तुम मुझे बताने आई हो। अगर इन नजूमियों के कहने पर रहे तो कहीं के नहीं रहेंगे हम। चलो मान लिया कि तुम मुझसे ही मिलने आई हो। बुलाया भी तो था तुमने। बुलाती तो मैं हमेशा से थी। हुँ.
पसंद आए तुम्हें ये पर्दे? बहुत खूबसूरत है। बगदाद से आए हैं ये। बहुत महंगे हैं, खास तौर पर बनवाए थे। क्यों ना हवेली देख लें जब तक खाना तैयार हो रहा है। देर किस बात की? तो शेख साहब ने भेजा है तुम्हें। क्यों करूं मैं तुम पर यकीन? हाँ क्यों? तुम्हारी बात पर भरोसा क्यों करूं मैं? हाँ आप चाहे मुझ पर भरोसा करें या ना करें सरदार, ये आपका फैसला है। मैं यहां हरगिज अपनी मर्जी से नहीं आया, जिम्मेदारी थी मेरी। अगर तुम्हारा मकसद मुझे कत्ल करना हुआ, नहीं है भरोसा मुझे तुम पर। मैं बता चुका हूं आपको सरदार, ना ही आपके दोस्तों में शामिल हूं मैं, ना ही दुश्मनों में। यह जिम्मेदारी मुझे शेख ने दी थी, इसलिए आ गया मैं। वो जो कहते हैं वही करता हूं मैं। ठहरो जरा। से चलो। आपके नाम मानने से हकीकत नहीं बदल जाएगी। सच कह रहा हूं, मेरी बात का यकीन करना होगा आपको सरदार। तुम कौन होती हो सरदार की मेहमान से सवाल करने वाले? मैंने कहा था ना कि मेरे मुआमलात से दूर रहना है। निकल जाओ यहां से। कोई काम तो होता नहीं, मुंह उठाए इधर उधर फिरते रहते हो। यूनुस अफंदी अब तुम्हें ठीक कर सकते हैं। क्यों ना यहीं रुक जाओ। सरी आगा अब बाबा जान को खबर पहुंचा देंगे कि तुम यहीं रुक गई हो। नहीं, मैं चली जाऊंगी। यूनुस अफंदी है ना यहीं पर? वही दरवेश जिसके साथ आई हो? बिल्कुल। उम्मीद है कि हमारे लिए और तुम्हारे लिए खैर का वसीला साबित होगा यूनुस अफंदी। आज के बाद तुम्हारा कॉल हमारा कॉल, तुम्हारा फील हमारा फील होगा।